अगर आपको फोकस करने का प्रॉब्लम है, अपने काम पे तवज्जो नहीं दे पाते हैं, आपकी टाइम सेट नहीं है, आपकी टाइम मैनेजमेंट पुअर है, तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, सोफिया सुहेल हियर। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो है फोकस करना। हम में से बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के दौर में, मोबाइल इंटरनेट के दौर में, हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मोबाइल पे भी बजती है और हम साथ ही हमारे जो काम पे फोकस हट जाता है। एक बात हमेशा जहन में रखें, अगर आपकी प्रायोरिटीज़ में आपका काम होगा, आप लिस्ट डाउन कर सकेंगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी, तो आपको फोकस का इशू नहीं आएगा। बच्चों के साथ ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी बच्चा जो है हमारा फोकस नहीं कर पाता अपनी पढ़ाई पे। यंग बच्चे आते हैं जो फोकस नहीं कर पाते अपने कैरियर पे। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि एक तो हमने अपने जहन में जो प्रायोरिटी सेट की हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। अगर हमारे जहन में हमारी प्रायोरिटीज़ पहले नंबर पे होंगी तो हम अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, ठीक है। हम जब प्रायोरिटी सेट होती है, हमें पता होता है कि ये काम मैंने इस टाइम पे करना है, ये काम हमने इस टाइम पे करना है। इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक हमारी टाइम मैनेजमेंट से भी होता है कि हम अपनी टाइम मैनेजमेंट को सेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास आज का एक दिन है, मैं अब रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ, उसके बाद मेरी काउंसलिंग्स हैं, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, मेरी सेटिंग है, मुझे पता है ये काम मैंने करना है। तो जब मैं ये काम करूँगी तो होगा क्या कि मेरा काम पे फोकस भी होगा। जब हमारे काम की प्रायोरिटी सेट नहीं होती, हमारी ज़िंदगी की प्रायोरिटी सेट नहीं होती, तो हमारे काम में डिस्ट्रैक्शन आती है। अपने मोबाइल और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसको फिक्स करें टाइम, ताकि आप ख़ास वक्त में आप ब्रेक लें कि आपने आधे घंटे बाद ही मोबाइल देखना है। कोई खुदा ना खासा बहुत ही इमरजेंसी होगी तो कॉल आ जाएगी। तो अपने टाइम सेट करें, अपने मोबाइल का यूज़ का टाइम सेट करें, अपनी कंसंट्रेशन को बिल्ड करें। अगर आपको कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है तो इसकी एक दो टिप्स मैं आपको ज़रूर देती हूँ। उसमें यह है कि आपने, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आप सबसे पहले ये काम करें कि आप जो है अपने आँख के ऊपर एक बाइंडर बांध लें और अपने कमरे में ही ये प्रैक्टिस करें, और आप वॉशरूम में जाएँ, ठीक है। आप कंसंट्रेशन बिल्ट हो जाएगी, या फिर आप डेली इसकी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फोकस जो है वो सेट हो जाएगा और आपको हेल्प आउट करेगा बाकी कामों को करने के लिए। बच्चे, जहाँ तक जो बच्चों के बारे में आती है कि बच्चे पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, सबसे पहले तो बच्चों को एक अपना टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है, उसके बाद अपने मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने की ज़रूरत है। सबसे मेन जो वजह आजकल सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है वो हमारे मसला है मोबाइल का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। हर चीज़, इतनी सोशल मीडिया की ऐप्स आ चुकी हैं जिस पे हर किसी पर अप्लाई करना हर कोई अपना फ़र्ज समझता है। तो आप ज़रूर अप्लाई करें, कॉन्टैक्ट में ज़रूर रहें, अपनी इमोशनल मैनेजमेंट को ज़रूर सही करें, अपनी सोशल मैनेजमेंट को ज़रूर सेट करें, लेकिन उसके लिए टाइम फिक्स कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने दो घंटे बाद या एक घंटे बाद अपना उसको चेक करना है, 10 मिनट चेक करना है, उसमें रिप्लाई करना है, उसके बाद छोड़कर दोबारा काम पे फोकस करना है। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड जो है वो एक ख़ास माइंड अंदाज में सेट हो जाएगा और आपका ये मसला हल हो जाएगा। अपने काम की प्रायोरिटीज़ और टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट की टू फोकस योर वर्क। थैंक यू सो मच। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।